नमस्कार साथियों, आज कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और लॉकडाउन का बड़ा असर आप देख रहे होंगे चारों तरफ। लॉकडाउन का जब ये असर आप देख सकते हैं साइटेड पर्सन पे, हमारी आपकी लाइफ पे, तो दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन पर कितना असर पड़ता होगा। अगर मैंने कि उस व्यक्ति की जो पूरी पर्सनैलिटी है उस पर समाज का कितना बड़ा, और जो सोशल एटीट्यूड्स हैं, सामाजिक जो अभिवृत्तियां हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा, इस तरह का प्रश्न एक अभी विद्यार्थी ने फर्स्ट ईयर के पूछा है कि सोसाइटल एटीट्यूड्स और ख़ासतौर से पेरेंटल एटीट्यूड्स। देखिए, सोसाइटी जो है वो दैट बिगिंस विद द फैमिली, परिवार से ही शुरू हो जाती है। तो परिवार में सबसे पहले बच्चे का कांटेक्ट माता से और पिता से, पेरेंट्स से होता है। तो उन पेरेंट्स का उस बच्चे के लिए क्या सोच विचार है, क्या वो सोचते हैं, क्या एटीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा मायने करता है कि उस बच्चे की किस तरह की आगे की पर्सनैलिटी निकल के आने वाली है। तो वैसे तो हम सोसाइटी को इन जनरल दोष देते रहते हैं कि सोसाइटी जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि सोसाइटी इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन द मेकिंग ऑफ पर्सनैलिटी एज फार एज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इज़ कंसर्न। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ने वाला है। और इसके संदर्भ में एक फेमस स्टडी की चर्चा होती है। सॉमर्स एक सज्जन हुए हैं हमारे, उन्होंने 1944 में, 1944 में एक स्टडी प्रस्तुत की थी, उसकी हम लोग अभी तक कोट करते हैं उस स्टडी को। उसमें उन्होंने कहा कि जो पेरेंटल एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर ब्लाइंड चिल्ड्रन है, दे रेंज फ्रॉम नेग्लिजेंस टू ओवर प्रोटेक्शन। नेग्लिजेंस मीन्स रिजेक्शन, रिजेक्शन टू ओवर प्रोटेक्शन। एक तो वो रिजेक्ट कर देंगे, टोटली रिजेक्शन है ना, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया बच्चे को, वो बच्चा ही मानने को तैयार नहीं होते अपना, है ना, और उसको बिल्कुल ही किसी अन्य संस्था या आदि के शरण में देने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो परिवार में रखना ही नहीं चाहते। सो फ्रॉम टोटल रिजेक्शन टू ओवर प्रोटेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अति संरक्षण। अति संरक्षण माने ये है कि बच्चा बड़ा भी हो गया तब भी आप उसके सब काम करके दे रहे हो। मदर्स कई बार जो है खाना खिलाने से लेके कपड़े पहनाने से लेके, है ना, और 14-15 साल का बच्चा हो गया तब भी आप उसके सब काम स्वयं करके दे रहे हैं। जब आप उसके सब काम स्वयं करके देखते हैं तो फिर आप बच्चे को कभी इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते, वो हर समय आप पर डिपेंडेंट रहेगा। तो इस तरह की एक रेंज, बड़ी सी रेंज है जो कि सॉमर्स के द्वारा बताई गई, और उसके बारे में आज हम और आप थोड़ी सी बात करने वाले हैं। इसमें जो तमाम स्टेजेस हैं, एक्चुअली फाइव स्टेजेस की बात हुई, तो फाइव स्टेजेस में सबसे पहले तो ये है, सबसे अच्छा जो एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्लाइंड चाइल्ड होना चाहिए, दैट इज़ ऑफ एक्सेप्टेंस। बच्चे को स्वीकार करना चाहिए। सो एक्सेप्टेंस सबसे अच्छा एटीट्यूड है जो सबसे कम पाया जाता है, है ना। कई बार पेरेंट्स बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते विद हिज़ और हर ब्लाइंडनेस, उसकी वो जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है उसकी पर्सनैलिटी की जो नेगेटिविटी है उसके बारे में, कि जब उसको आप देखें। और भी यदि आप तमाम स्टडीज़ को जिक्र कर पाएंगे तो जैसे एक एरिक एरिक्सन की स्टडी है जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ही है, और वो ये कहती है कि बच्चे का शुरुआत का 1-1.5 साल का समय जो उसके माँ बाप के साथ, ख़ासतौर से माँ के साथ गुजरा, उसमें जो उसकी ब्रिंगिंग अप हुई तो वो एक ट्रस्ट डेवलप होता है विद अदर्स। तो वो ट्रस्ट डेवलप होगा यदि अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा। यदि जैसे आपने रिजेक्ट कर दिया बच्चे को, है ना, तो वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा, और मदर से ही ट्रस्ट डेवलप नहीं है तो फिर औरों से कैसे होगा। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मदर, फ्रॉम द फैमिली, एंड सोसाइटी तो बाद में आती है, सबसे पहले फिर घर वालों का रोल होता है। सो मैंने आपसे कहा सबसे बढ़िया जो एटीट्यूड है दैट इज़ ऑफ एक्सेप्टेंस। अदरवाइज क्या है कि द फैमिली डिनाई, है ना, डिनाइल ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ हैंडीकैप। जो बच्चे का जो हैंडीकैप है, ब्लाइंडनेस जो है, उसके जो प्रभाव है
अब हैंडीकैप का ब्लाइंडनेस के प्रभाव के बारे में भी हमने फिर से आपको एक बार लोइनफेल्ड की स्टडी की चर्चा की हुई है ना, कि बच्चे के अनुभव जो है वो सीमित हो जाते हैं, है ना, उसका मोबिलिटी बड़ी सीमित हो जाती है और उसका जो वातावरण से जो इंटरेक्शन है वो बड़ा ही लिमिटेड हो जाता है। तो ये जो बेसिक इफ़ेक्ट्स हैं, है ना, ये इन इफ़ेक्ट्स को फैमिली डिनाई करती है ना, डिनाइल ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द हैंडीकैप। तो ये एक दूसरे किस्म का एटीट्यूड है जो कि फैमिली एग्जिबिट करती है। देन दे गो फॉर ओवर प्रोडक्शन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप उसको सभी काम करके दे दे रहे हैं, ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं जाने नहीं दे रहे, है ना, कुछ भी काम करने नहीं दे रहे, चलने फिरने नहीं दे रहे, चोट लग जाएगी, ये होगा वो होगा, की वजह से आप उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रुकावट डालते हैं। सो एक्सेप्टेंस द बेस्ट, उसके बाद डिनाइल ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द हैंडीकैप, थर्ड स्टेज इज और द थर्ड टाइप ऑफ एटीट्यूड फ्रॉम द पेरेंट्स इज दैट ऑफ ओवर प्रोटेक्शन। उसके बाद रिजेक्शन, जैसे मैंने आपसे कहा कि रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दिया बच्चे को, एंड टोटल रिजेक्शन। सो ये पांच तरह का जो पेरेंटल एटीट्यूड है टू बर्ड्स ब्लाइंड चिल्ड्रन, ये देखने को मिलता है। और ये एक फेमस स्टडी थी जिसके बारे में मैंने आपसे बताया कि सॉमर्स इन 1944 ये स्टडी आपके सामने पेश की उन्होंने। ब्लाइंडनेस को और गहराई से समझने के लिए कुछ और हमें स्टडीज़ की चर्चा करनी चाहिए, मुझे लगता है उसकी हम लोग, जैसे जैसे प्रश्न, हमने कहा आपसे प्रश्न आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न आएंगे तो हमारे पास तमाम अध्ययन आइडिया आपको मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो प्रश्नों पर निर्भर करेगा ये बातचीत जो है। तीन स्टडीज़ की मैंने आपके संग जल्दी जल्दी चर्चा कर ली है, सॉमर्स की, कर्ट्सफर्थ की और लोइनफेल्ड की। ये तीनों स्टडीज़ बहुत ही फेमस हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक अबाउट द ब्लाइंडनेस, है ना। तो आप प्रश्न भेजते रहिए और ये जो इफ़ेक्ट है ना, इफ़ेक्ट के ही हम और आप बात करेंगे। इस इफ़ेक्ट को जल्दी ही दूर हटाने की कोशिश करूँगा जी, और ब्लाइंडनेस के भी इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने की हमारी आपकी कोशिश है, उस पर भी हम और आप लगे हुए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बड़ी ही मेरे लिए दुख का विषय है कि सब्सक्रिप्शन एक कम हो गया, सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए, है ना, तो हमारा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।